तो दोस्तों 27 मार्च 2020 को रिलीज हो रही है अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी। और दोस्तों यहाँ इस फिल्म में रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स के तीनों सुपर कॉप्स को एक साथ एक फ्रेम में देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों आज फाइनली हमें सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी एक साथ देखने को मिल गए और हमें इन तीनों सुपर कॉप्स का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। दरअसल दोस्तों आज रणवीर सिंह की फिल्म सिम्बा को एक साल पूरा हो चुका है और सिम्बा के एक साल कंप्लीट होने पर फिल्म की तरफ से वन ईयर ऑफ सिम्बा का एक शानदार वीडियो आउट किया गया है, जहां पर हमें सबसे पहले सिम्बा की एक झलक दिखाई गई और फिर हमें देखने को मिली बाजीराव सिंघम की एक झलक और फिर इसके बाद सिंघम और सिम्बा लाजवाब एक्शन करते नजर आए। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में सिम्बा का क्लाइमैक्स सीन भी दिखाया गया, जहां पर रणवीर सिंह यानी सिम्बा रेपिस्ट को ठोकते हुए नजर आए। लेकिन दोस्तों फिर इसके बाद जो हमें देखने को मिला उसे देख मजा ही आ जाता है। दोस्तों सबसे पहले तो सूर्यवंशी की पहली झलक दिखाई जाती है और फिर हमें सिम्बा, सिंघम और सूर्यवंशी मिलकर एक्शन का जबरदस्त विस्फोट करते नजर आते हैं और ये तीनों सुपर कॉप्स मिलकर एक साथ गोलियों की बरसात करते दिख रहे हैं। और दोस्तों सूर्यवंशी के इन चंद सेकंड्स के वीडियो को देखकर ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि ये फिल्म बड़े पर्दे पर आग लगा देगी, क्योंकि दोस्तों जब सिम्बा, सिंघम और सूर्यवंशी एक साथ एक फ्रेम में गोलियों की बौछार करते नजर आएंगे तो लिटरली आग तो लग ही जाएगी। और दोस्तों ये सूर्यवंशी का क्लाइमैक्स सीन होने वाला है, जिसकी शूटिंग हाल ही में की गई थी, जहां पर हमें अक्षय कुमार, रणवीर सिंह और अजय देवगन तीनों ही स्टार्स एक साथ शूटिंग करते नजर आए थे। तो दोस्तों अब ऐसे में इतना तो साफ है कि फिल्म का ये क्लाइमैक्स सीन काफी ज्यादा शानदार होगा, जहां पर आपको ये तीनों सुपर कॉप्स मल्टी विलन से भिड़ते नजर आएंगे। तो दोस्तों अब ऐसे में सूर्यवंशी में अक्षय कुमार के धमाके के साथ ही आपको ट्रिपल धमाका भी देखने को मिलेगा, जो रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स के तीनों सुपर कॉप्स करते नजर आएंगे। तो अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह के तमाम फैंस, आप बताइए कि आपको सिम्बा, सिंघम और सूर्यवंशी को एक साथ देखकर कैसा लगा, जरूर शेयर कीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टूडियो टॉप चैनल को। जय हिंद।